तो 10 डीआरजी जवानों ने शहादत दी है, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। दरअसल ये जो डीआरजी के जवान होते हैं, ये अपने आप में बड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका टास्क है वो यही रहता है कि नक्सलियों से इन्हें एक तरीके से पूरा ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ इन्हें चलाना है। लेकिन डीआरजी के 10 जवानों का शहीद हो जाना, मेरे साथ प्रफुल्ल पारे इस समय मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ से ही वो ताल्लुक रखते हैं, नक्सली अटैक्स के जिस तरीके से नक्सली घात लगाकर हमला करते हैं उनके बड़े जानकार माने जाते हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। हालांकि पूरा देश गमगीन है, पूरा देश शहीदों की शहादत को नमन कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोगों ने ट्वीट्स के जरिए अपनी श्रद्धांजलि तमाम शहीदों को दी है। लेकिन मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूं सर कि पिछले 10 साल से तो मैं देख रही हूं कोई 6 महीने ऐसे नहीं जाते, कोई ऐसा साल नहीं गया जिसमें नक्सलियों ने इस तरह घात लगाकर हमला नहीं किया हो, और हम ये भी बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं कि ऑपरेशन चलाया जा रहा है नक्सलियों के खिलाफ। अभी भूपेश बघेल भी कह रहे हैं कि प्लानिंग से सारी चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं, लेकिन वो प्लानिंग कहां फेल होती है सर कि बार बार हमें जवानों के शव देखने पड़ते हैं, बार बार हमें संवेदना जाहिर करनी पड़ती है अपने जवानों के शवों पर। जब कभी भी नक्सल घटनाएं रुक जाती हैं तो सरकार बड़ी आश्वस्त हो जाती है, उसको लगता है कि नक्सली वारदातें अब कम हो गई, हमने उस पर विजय पा ली है। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है जी। हकीकत ये होती है कि नक्सली अपनी रणनीति या तो बदल रहे होते हैं या नई बना रहे होते हैं, या फिर वो किसी रणनीति के तहत खामोश हो जाते हैं। ये समझ लेना कि पिछले 3 साल में कोई घटना नहीं हुई तो इसका मतलब है कि आपने उसमें विजय पाली, ऐसा नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा कि तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर, खासकर जो बस्तर का बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, ये जो दक्षिण बस्तर है ये सर्वाधिक नक्सल प्रभावित है, तो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के सीआरपीएफ के कैंप बने हुए हैं। और वास्तविकता ये है कि ये जो फोर्स है ये अपने कैंप से बाहर मूवमेंट नहीं करती जी, ये वहां पर बैठे रहती है, और चूंकि उनके पास भौगोलिक जानकारी नहीं होती है, इनपुट मिलता है तब ये वहां से निकलते हैं और फिर किसी मूवमेंट को अंजाम देते हैं, कोई मतलब जो पता चलता है कि यहाँ नक्सलियों का ठिकाना है उसको ध्वस्त करते हैं। लेकिन लौटते समय कुछ बड़ा हादसा हो जाता है, आपने देखा होगा कि 70-75 जवान एक साथ जो है उनकी बस को उड़ा दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये सब घटनाएं क्यों होती है? एक रणनीति जब सरकार बना लेती है या जो रक्षा क्षेत्र के लोग हैं जो रणनीति बना लेते हैं कि अगर आप किसी ऑपरेशन पे जा रहे हैं तो आप जिस सड़क से जा रहे हैं उस सड़क से वापस नहीं आएंगे, ये एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक बेसिक रूल माना जा सकता है जी। हाँ, बेसिक रूल है। हाँ, लेकिन यही रूल बार बार तोड़ा जाता है, वॉयलेट होता है, है ना। अब आप देखिए कि जब सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्स, दूसरे भी जो रिजर्व बल हैं, ये जब काम नहीं आते हैं तो सरकार ने, इसके पहले जो सलवा जुड़ूम आंदोलन हुआ था उस समय भी जो नक्सलियों के साथ थे, जो पुराने माओवादी थे जिन्होंने आत्मसमर्पण करके खुद को मुख्य धारा में लेकर आए, ठीक है, उन लोगों को मिला करके एक फोर्स की शक्ल दी गई जिसको हम डीआरजी कहते हैं, ठीक है जी। इसमें हर जवान जो है वो बस्तर के किसी न किसी इंटीरियर गांव से ताल्लुक रखता है या फिर वो पहले माओइस्ट था, पहले वो नक्सली रह चुका है जी। हाँ, तो ठीक है, डीआरजी इसीलिए सबसे ज्यादा घातक है नक्सलियों के लिए, क्योंकि नक्सली जानते हैं, इन्हें सब कुछ पता है, इन्हें ये भी पता है कि इनके ठिकाने कहाँ हैं, ये किस गांव में जाएंगे, कहाँ से मूवमेंट करेंगे और ये किस तरह घात लगाकर हमला करते हैं। लेकिन सर यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट प्रफुल्ल जी ये समझना हो जाता है, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपने डीआरजी के बारे में, मैं भी आज जब पढ़ रही थी तो बहुत उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी आपने दी कि ये वो लोग हैं जो नक्सल आंदोलन का हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन मैं दो चीजें सर यहाँ पे आपसे बड़ी जल्दी जल्दी संक्षेप में समझना चाहती हूँ। एक तो जो बार बार ये कहा जाता है कि बातचीत चल रही है, वो बातचीत आखिर क्यों बार बार पटरी से उतरती है, क्यों कन्विंसिंग कैपेसिटी में सरकारें, राज्य सरकारें या फिर केंद्र सरकारें नहीं है। दूसरा, मैं बहुत लंबे अरसे से सुन रही हूं, तकरीबन 15-20 साल तो मुझे हो गए सुनते हुए, ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन ग्रीन हंट। तो क्या उसका सक्सेस रेट
अगर नहीं है तो क्या नए सिरे से स्ट्रैटेजी बनाए जाने की जरूरत है? और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि रूल्स वॉयलेट होना, यानी कि फिर तो कैजुअल अप्रोच है ना, फिर तो जिंदगियों के लिए, हमारे जवानों की जिंदगियों के लिए इतनी कैजुअल अप्रोच। देखिए, बातचीत की बात आपने की तो मतलब मुझे भी बहुत समय हो गया, आपने भी देखा होगा कि बातचीत आपको याद हो तो एक ही बार हुई थी, जब वो भी आंध्र प्रदेश में वाईएसआर जब चीफ मिनिस्टर थे उस समय नक्सली संगठनों से बातचीत हुई थी, उन्होंने भरोसा दिलाया था और जो नक्सली हैं वो सड़क पर आकर के उन्होंने आंदोलन किया था, समझौता हुआ, उसके बाद काफी कुछ विराम लगा आंध्र प्रदेश में भी और तेलंगाना में भी नक्सली घटनाओं पर। लेकिन उसके बाद अगर कोई एक सिंगल टेबल टॉक हुई हो या किसी ने कहा हो, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि सरकार हर बार ये बोलती है कि बातचीत के लिए मंच खुला है, लेकिन बात करें तो करें किससे, कौन आएगा बात करने, कौन आना चाहेगा बात करने, जो जो नक्सली संगठन काम करते हैं, जो जो उनकी जो जो समय सर कम है, इसीलिए बड़ा लास्ट में प्रिसाइज सवाल पूछ रही हूँ, क्या वाकई फेलियर माना जाए स्टेट गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का, या फिर देयर इज सम अदर इशू? बिल्कुल 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 फेलियर है, बिल्कुल फेलियर है। देखिए, आपको हम बता दें कि आपने देखा होगा कि ये पिछले 3 सालों का पूरा रिकॉर्ड देखिए, 4-5 सालों का, कि नक्सली इस डीआरजी को कमजोर करने के लिए, खत्म करने के लिए टारगेट किलिंग कर रहे हैं। ये जैसे किसी एक डीआरजी के तो ये तो सर उन लोगों का भी हौसला पस्त करेगा जो ऑलरेडी माओइस्ट हैं, जो ऑलरेडी नक्सल हैं, उनका भी हौसला, और वो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरह से टारगेट किलिंग होती रहेंगी तो ये तो उनका भी हौसला पस्त होगा। लेकिन प्रफुल्ल जी, आपने बहुत शानदार जानकारियां दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्योंकि मौका बेहद नाजुक है, हमने 10 जवानों को खोया है, तो निश्चित तौर पर इंट्रोस्पेक्ट किए जाने की जरूरत है कि आखिर नक्सली इस तरीके से टारगेट किलिंग कर क्यों पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, कहां पर लाख है, कहां पर लूपहोल है, जिन्हें एड्रेस किया जाना जरूरी है।